दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तलब किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के समन को दरकिनार कर सकते हैं। ईडी के चौथे समन को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक गोवा निकलने का प्लान बना चुके हैं। वे अगले 3 दिन तक गोवा में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को परखेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के एक अधिकारी ने बताया कि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गोवा निकलने वाले हैं। अधिकारी ने ये भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री होने के साथ वे आम आदमी पार्टी के प्रमुख भी हैं और गोवा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेना है। एक कार्यक्रम के बाद बुधवार को जब खुद अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने भी कोई साफ जवाब देने से बचते हुए कहा कि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। HT ने ईडी से भी संपर्क किया लेकिन अधिकारियों ने कोई कमेंट नहीं किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर सवालों से भागने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं लेकिन कानून जल्द उन तक पहुंचेगा। जिस दिन ईडी टाल मटोल का संज्ञान लेगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी तब आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि केजरीवाल इससे पहले ईडी के 3 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्हें 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को बुलाया गया था लेकिन तीनों ही मौकों पर उन्होंने समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पेशी से इनकार कर दिया। उन्होंने ईडी को हर बार खत लिखकर पूछा है कि उन्हें ये बताया जाए कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। ईडी ने 13 जनवरी को उन्हें 4th समन भेजा था। इससे एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के 3 दिन के गोवा प्लान का ऐलान कर दिया था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बार बार इन समन पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि ये साफ नहीं है कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के रूप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से या आप प्रमुख होने की वजह से। 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करना चाहती है। इसी केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही गिरफ्तार हैं और दोनों लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं।